अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूँ फातिमा महर। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। अब रुक करते हैं राजनपुर का। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलजार सुबहानी की इस रिपोर्ट में, राजनपुर में यूनिसेफ की तरफ से एक रोजा वर्कशॉप का अहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल से बाहर रह जाने वाले बच्चों के वालदैन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ईओज और लिटरेसी डिपार्टमेंट के मोबिलाइजर्स ने शिरकत की। लिटरेसी स्कूलों के असातिज़ा को भी खास तौर पर मदु किया गया, ताकि स्कूल से बाहर रह जाने वाले बच्चों की तालीम की तरफ अदम तवज्जो की वजूहात को जाना जा सके और इस मसले से निमटने के लिए शुरका की तरतीब की जा सके। यूनिसेफ की तरफ से शाजिया मुगल ने तमाम शुरका को इस बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की और साथ ही इन वजूहात को ख़त्म करने के मुतालिक तरीकाकार बताया, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। तालीम की अहमियत के बारे चौधरी मोहम्मद नवाज सीनियर हेडमास्टर साहब ने आगाह किया और मुल्क की तरक्की में इजाफे के लिए तालीम को बहुत ज़रूरी करार दिया। डी लिटरेसी सैयद मोहम्मद अबू बकर सदीक शाह ने शुरका को लिटरेसी डिपार्टमेंट की खिदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी और स्कूल से बाहर जाने वाले बड़ी और छोटी उम्र के बच्चों के स्कूल में लाने के लिए लिटरेसी स्कूलों के मुख्तलिफ इकदामात के हवाला दिया। खबरें आपने जानी, मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।